आप देख सकते हैं इसका साउंड ट्रैक्टर का। अब आरपीएम देखते हैं क्या कितना चलता है। तो आपने देखा इसका आरपीएम बड़ा सारा रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है रेडिएटर के अंदर और ये बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में इंजन वर्क करता है। स्टीयरिंग है वो आप देख रहे हैं, इसमें डुअल पावर स्टीयरिंग आप देखने को मिल जाती है बैलेंस टाइप में, जो में आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व आपको देखने को मिल जाता है कंपनी की तरफ से, कंपनी फिटेड। इतना बड़ा ऑयल फिल्टर मैंने किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखा, ये इकलौता ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको इतना बड़ा सारा आपको ऑयल फिल्टर आपको हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड आपको रियर एक्सल आपको कंपनी ऑफर करती है, जो की काफी भारी आपको रियर एक्सल आपको मिलने वाला है। इसमें साइलेंसर में आपको मफलर देखने को मिल जाता है, जिससे कि हीट नहीं जाती है पार्ट्स। उसके बाद में हम गियरों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पार्टियल कॉन्स्टेंट में सेंटर गियर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से न्यू फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो 47 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है और ये 2000 इंजन रेटेड RPM पर वर्क करता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको बड़ा सारा रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये पर्याप्त मात्रा में हवा जाती है रेडिएटर के अंदर और ये बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में इंजन वर्क करता है और ये वाटर कूल इंजन के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। उसके बाद में आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 12 वोल्ट 36 एम्पियर का आपको अल्टरनेटर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम इससे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं इसमें आपको हैवी ड्यूटी मुड़वा एक्सल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो स्टीयरिंग है वो आप देख रहे हैं, इसमें डुअल पावर स्टीयरिंग आप देखने को मिल जाती है बैलेंस टाइप में। आप देख सकते हैं इसमें आपको डुअल पंप ऑफर करती है कंपनी, एक इसमें हाइड्रोलिक का पंप है और एक इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का पंप आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कंपनी की तरफ से, जो कि काफी बढ़िया फिल्टर देखने को मिलता है। अगर हम क्लीनर की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं 3-स्टेज ऑल बार टाइप विद प्री ईयर क्लीनर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें काफी बड़ा सारा ऑयल फिल्टर आपको हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, इतना बड़ा ऑयल फिल्टर मैंने किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखा, ये इकलौता ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको इतना बड़ा सारा आपको ऑयल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसकी स्मूथ तरीके से वर्क करने वाली है। और दोस्तों एक फिल्टर नहीं, इसमें आपको 2 फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। एक फिल्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा सारा ऑयल फिल्टर आपको एक यहाँ पे मिल जाता है, बिल्कुल नीचे प्लेस किया हुआ है। तो ये ऐसा इकलौता ट्रैक्टर है जिसमें आपको 2 बड़े ऐसे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट को स्मूथ तरीके से वर्क करती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी एक्साइड की बैटरी आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि हैवी ड्यूटी है और ये 12 वोल्ट 100 Ah की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बड़ी बैटरी आपको कंपनी ऑफर करती है इस ट्रैक्टर के अंदर। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो आप बने रहिए वीडियो में, तो आप आगे देख सकते हैं इसमें आपको हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड आपको मिल जाता है, जो कि 95 से 100 kg तक का आपको बम्पर आपको देखने को मिल जाता है कंपनी फिटेड। तो आप देख सकते हैं ये महिंद्रा की तरफ से आने वाला महिंद्रा 575 DiXV+, जिसकी बैजिंग आपको राइट साइड में आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका डेडिकेटेड लुक आप देख सकते हैं, महिंद्रा 575 का आपको डेडिकेटेड लुक मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें आगे की तरफ आपको 2 हेलोजन हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है। बगल में राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका महिंद्रा 575 DiXV+ की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं आपको डीजल फिल्टर आपको सिंगल ही डीजल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और इसमें इंडिया का सबसे भरोसेमंद बॉस्को का आपको इनलाइन पंप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी भरोसेमंद आपको पंप मिलने वाला है। उसके बाद में आप आगे बढ़े तो हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सेल्फ स्टार्टर मोटर है, ये आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट
2 किलो वॉट की आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो आप टायरों की बात कर लेते हैं। आपको इसमें गुडियर के टायर कंपनी ऑफर करती है 616 के, आगे के टायर आपको ऑफर करती है, और पीछे के टायर आपको 13/6/28 के गुडियर के ही टायर आपको कंपनी ऑफर करती है। उसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको 6 ईयर की वारंटी यानी 6 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं फुट स्टे पर आपको यहाँ चेचिस में आपको फिट किया हुआ है, जिससे लंबे समय तक आपका साथ देने वाला है। उसके बाद में आप अगर पायदान की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लैट पायदान है जिसमें होल दिए हुए हैं। होल इसलिए दिए हुए हैं ताकि पटलिंग करते समय आपका पैर फिसले ना, इसका पूरा ख्याल रखा है। अगर हम क्लच की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्यूल क्लच आपको कंपनी ऑफर करती है पुश पैडल के साथ में। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ये पीटीओ का लीवर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हाई लो का लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में हम गेयरों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पार्टियल कॉन्स्टेंट में सेंटर गेयर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में सीट की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल सीट आपको कंपनी ऑफर करती है, आप अपने तरीके से इसको आगे पीछे करके सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी भरोसेमंद ट्रैक्टर है। अगर हम डीजल टैंकी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 47 लीटर की डीजल टैंकी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके सीसी की बात करें तो इसमें 2989 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें साइलेंसर में आपको मफलर देखने को मिल जाता है, जिससे कि हीट नहीं जाती है। तो काफी भरोसेमंद ट्रैक्टर है ये, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर महिंद्रा मानी जाती है, काफी पावरफुल ट्रैक्टर है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का, और आप यहीं से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। उस चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आपको दिखाते हैं और इसका रेडियंस कटाई और इसका साउंड आपको चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल एनालॉग दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको RPM और घंटे कितने चला वो दिखाएगा। उसके बाद में आपको इसमें टेम्परेचर दिखाएगा और इसमें आपको देख सकते हैं फ्यूल यानी डीजल कितना आपके ट्रैक्टर में वो दिखाएगा। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर हैं जो कि इंडिकेटर के स्विचेस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। रेस लीवर आपको आप देख सकते हैं इसमें आपको नीचे भी आपको देखने को मिल जाता है, रेस पैडल सॉरी, और रेस लीवर आपको स्टेयरिंग के पास में भी आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेकों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल इमरजेंसी ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है पुश पैडल के साथ में। उसके बाद में हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका आपको रेडियंस कटाई और इसका साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं ट्रैक्टर का। आप देख सकते हैं इसका साउंड ट्रैक्टर का। अब RPM देखते हैं इसका कितना चलता है ट्रैक्टर का। आप देख सकते हैं तो आपने देखा इसका RPM। अब हम इसका रेडियंस कटाई देखते हैं इस ट्रैक्टर का, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो रेडियंस कटाई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको रेडियंस कटाई आपको देखने को मिल जाती है। इतनी बढ़िया रेडियंस कटाई मैंने किसी भी ट्रैक्टर की नहीं देखी। ये लेफ्ट साइड में हो गया, अब आप राइट साइड में देखिए इसकी रेडियंस कटाई ट्रैक्टर की, तो काफ़ी बढ़िया है इसकी रेडियंस कटाई ट्रैक्टर की। इतनी अच्छी रेडियंस कटाई मैंने किसी भी ट्रैक्टर की नहीं देखी। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ और फीचर उस पीछे आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पीछे की तरफ आप देखें तो इसमें आपको टूल बॉक्स आपको लोहे का कंपनी ऑफर करती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर लोहे का टूल बॉक्स कंपनी की तरफ से कंपनी फिटेड है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको हैवी ड्यूटी रियर एक्सल आपको कंपनी ऑफर करती है, जो कि काफी भारी आपको रियर एक्सल आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करें इसमें आपको तो टॉपलिंग के 3 पॉइंट के साथ में आपको हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको मिड में आपको इसमें रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, और इसी के पीछे की साइड को आपको देख सकते हैं आपको बॉटल कैरियर पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफी भरोसेमंद ट्रैक्टर है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देख सकते हैं इसमें आपको 1400
80 केजी की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी। अगर आप रात में वर्क करते हैं तो आपको देख सकते हैं इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, और आप देख सकते हैं आपको इसमें ब्रेक इंडिकेटर आपको पीछे की साइड को आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में इसके पीटीओ की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 42 एचपी की पीटीओ पावर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 6 प्लाइन के साथ में आती है। इसका पीछे का व्यू काफी शानदार है ट्रैक्टर का, और काफी भरोसेमंद ट्रैक्टर है ये। जब से इसमें बदलाव किए हैं तब से इसकी डिमांड काफी ज्यादा होने लगी है इस ट्रैक्टर की। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।